किस के लिए करनी चाहिए? तूने तो बोला था साइकिल का रिव्यू करने के लिए। हाँ यार, अबे निकलो ना बे, लॉकडाउन में घूमते रहते हो, काम कुछ नहीं है। सच में मैंने ही कहा था, सच में मैंने ही कहा था क्या? अरे कुछ पूछना हो बताओगे? हाँ सच में? हाँ हाँ याद है, साइकिल की रिव्यू के लिए। हाँ सो मैं हूँ अनिमेश मानते हैं, यू आर वॉचिंग एमटीवी राइडर। अनिमेश चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, या मैं नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोलूँगा? हाँ याद है, इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप खुद ही लाइक कर दोगे, और अगर बुरा लगे तो आप खुद ही डिसलाइक कर दोगे। मैं बोलने वाला हूँ कौन भाई आपको? अगर ऐसे और वीडियोज चाहिए तो आप खुद सब्सक्राइब भी कर लोगे और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दोगे, और अगर आपके दोस्तों को भी शेयर करना होगा आप खुद ही कर दोगे। मैं कौन हूँ बोलने वाला कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आप खुद ही कर लो, ठीक है, डिसलाइक भी कर लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई। ऑब्वियसली पड़ेगा भाई, डिसलाइक करोगे वीडियो अगर अच्छा होगा तो। आज हम दिखाने वाले हैं अर्बन टेरेन, माई न्यू बाइसाइकल अर्बन टेरेन यूटी 1000 27.5 इंचेस 21 स्पीड गियर साइकिल। सो साइकिल के रिव्यू को शुरू करते हैं। साइकिल के रिव्यू के साथ हम उसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो भाई तेरे पास चाबी है ना, जो साइकिल लेके आ, खुद लेके आ जा। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. कितना भूल रहा है। सॉरी वीडियो शूट करने लगा। सो ये है मेरी नई एमटीबी अर्बन टेरेन। सो मेरी नई एमटीबी काम का कुछ नहीं कर रही। हाँ भाई तो शुरू करते हैं, उनको छोड़ो। 27.5 T21 स्पीड गियर साइकिल अर्बन टेरेन यूटी 1000। मैं आपको नीचे लिंक दे रहे डिस्क्रिप्शन में, इसे बाय करना। हाँ बाय 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 ना, हाँ बाय 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 करने का लिंक दे दूंगा और आप इसे बाय कर लेना अगर आपको पसंद आए साइकिल। वैसे मुझे तो इसमें डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा एडवांटेजेस मिले भाई। हाँ एडवांटेजेस मिले यहीं का। सो वीडियो को शुरू करते हैं अब। ये मेरी नई बाइसाइकिल एज यू कैन सी, और आप इसकी सीट को भी ऊपर नीचे कर सकते हो। मेरे हाइट के हिसाब से मैंने एडजस्ट कर लिया है इधर। टेंशन की बात नहीं है, हो गया है। सो अब देखते हैं। सो अबे उतर भी नहीं पा रहा हूँ ना, नहीं पता। चलो अब शुरू करते हैं हैंडल से। हैंडल पे आप देख सकते हैं इधर मेरे को ट्रिगर शिफ्टर मिल जाता है। इधर दिखाना ज़रा भाई, कैमरा क्या है दिखा रहा है तू? इधर दिखा। सो इधर हमें 7 स्पीड ट्रिगर शिफ्टर मिल जाता है एज यू कैन सी। ये पीछे करने के लिए और ये आगे करने के लिए, और इस साइड के हैंडल में हमें 3 शिफ्टर्स मिल जाते हैं। आगे पीछे ही सेम है। ये लो करने के लिए यानी कि 2 से 1 लाने के लिए ये, और हाई करने के लिए 2 से 1 के लिए, 2 से 3 के लिए ये। सो एज यू सी, और दोनों में आपको वी ब्रेक ऊपर मिल जाता है जो कि बहुत बड़ी एडवांटेज है इसकी। एडवांटेजेस के बारे में बाद में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो मैं अब हैंडल को ख़त्म करने के बाद अब हम चाहेंगे पीछे के 7 गियर्स की तरफ। तो लेट गेट सी। क्या बोला? नहीं नहीं मैंने बोला कि थोड़ा रुक, मेरा पैर दिख रहा है कैमरे में, थोड़ा रुक भाई देख के कर। सो इधर हमें 7 गियर शिफ्टर्स मिल जाते हैं। ऊपर सबसे ऊपर ही गियर मिलता है 7th गियर, जिसे कि हम 1 नंबर गियर की तरह से जानते हैं। सबसे नीचे वाला गियर को हम 7 गियर की तरफ से जानते हैं, जिसमें बाइक की स्पीड सबसे ज़्यादा रहती है। और उसके ऊपर है
सेकेंड गियर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ. अभी मेरा चैन सिक्स गियर पर है और इधर आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया गियर शिफ्टर्स दिया गया है शिमानो की तरफ से. 7 गियर्स दिए गए हैं, बढ़िया क्वालिटी के गियर्स हैं शिमानो की तरफ से और चेन भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है. सो मैं थोड़ी देर में आपको दिखाने वाला हूँ इसकी कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस. सो शिफ्टर्स का काम ख़त्म हो चुका है, अब नीचे देखते हैं. इधर हमें शिमानो की तरफ से एक लिखा हुआ मिल जाता है कि ये है शिमानो की तरफ से एक अच्छी बाइसिकल है और गियर प्रोटेक्टर्स भी दिए गए हैं, गियर फेंडर्स. और इधर आप देख सकते हो शिमानो इक्विप्ड लिखा गया है. और इधर जो हमें कैसेट दिया गया है, इस कैसेट का नाम है शिमानो टर्नी. जो कैसेट यहाँ पे लगा होता है इसमें बहुत सारे शिमानो के आते हैं जो सबसे डाउन लेवल के हैं. और शिमानो टर्नी इधर हमें मिल चुका है और इसके बहुत सारे टाइप्स आते हैं. कुछ चीप कॉस्ट में आते हैं, कुछ हाई कॉस्ट में आते हैं. कैसेट जो अवेलेबल होती है हर एक बाइसाइकिल में पहले से जो गियर साइकिल्स में लगी होती है वो है शिमानो टर्नी. और ये भी मेरी टर्नी है और ये इधर लिखी हुई है, दिखाता हूँ. इधर देखिए शिमानो टर्नी टीजेड लिखा गया है. पास थोड़ा लाता हूँ, देख सकते हैं शिमानो टर्नी टीजेड. सो जैसे कि आपने देखा शिमानो टर्नी टीजेड लिखा हुआ है. सो लेट गेट सी. इधर आपको आगे की तरफ 3 गियर्स मिल जाते हैं, आपको इस तरफ से दिखाता हूँ ऊपर. तो 3 गियर्स हैं, 1, 2 जिस पर अभी मेरा चेन प्रेजेंट है और ये 3. सो 3 गियर्स मैंने आपको दिखा दिए हैं. सो इधर मैंने आपको 3 गियर्स दिखा दिए हैं, 1, 2, 3. सेकेंड नंबर पर अभी सेकेंड नंबर पर मेरा चेन है, आप देख सकते हो. थर्ड यहाँ है और फर्स्ट यहाँ है. और इधर आपको एक अच्छी सी प्रोटेक्टर मिल जाती है इस तरफ गियर्स के लिए जो है इधर. और बैक गियर्स के लिए भी इधर गार्ड्स दिए गए हैं. सो यू कैन सी हियर. अब देखते हैं, इधर आपको मिल चुकी है ये एक अच्छी सी प्रोटेक्टर. और पेडल्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. आप इधर देख सकते हो पेडल्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी क्वालिटी से बने हुए हैं ये पेडल्स. सो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. तरफ हमें एक डिस्क ब्रेक मिल जाता है, इधर आप देख सकते हैं डिस्क ब्रेक हमें इस फ्रंट की तरफ एक मिल चुका है. और डिस्क ब्रेक मैकेनिज्म भी बहुत अच्छा है. और इधर आपको एक राइटिंग मिल जाती है अर्बन टेरेन की, इधर आप देख सकते हो अर्बन टेरेन लिखा हुआ है. और आपको इस तरफ MTB के डिस्क ब्रेक को प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड भी दिया गया है. इधर आप देख सकते हो गार्ड दिया गया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है. इधर भी आपको अर्बन टेरेन मिल जाता है राइटिंग में. भाई इतने सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं भाई, अर्बन टेरेन के लोगों की बात ना करें तो कैसे होगा. सो इधर हमें फ्रंट पे मिल चुका है अर्बन टेरेन का लोगो. इधर आप देख सकते हो अर्बन टेरेन लिखा गया है, अर्बन टेरेन फोकस. अर्बन टेरेन मिल चुका है आपको. सो बहुत ही अच्छी थी इसकी लोगो भी, मुझे बहुत अच्छी लगी. अब आगे बढ़ते हैं. इस तरफ भी हमें एक इस तरफ भी हमें एक डिस्क ब्रेक मिल जाता है. आप जैसे कि देख सकते हो डिस्क ब्रेक, फोकस कर लेता हूँ. हाँ, और इस तरफ आपको अच्छा मैकेनिज्म भी मिल जाता है और एक फेंडर में मिल जाता है जो इसको प्रोटेक्ट करता रहता है. सो अब आगे बढ़ते हैं. अगर मैं सीट की बात करूँ तो बहुत ही अनकम्फर्टेबल सीट है भाई. एक इसका डिसएडवांटेज है कि बहुत ही अनकम्फर्टेबल सीट है एंड आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं. बस इधर आपको एक नोक दिया गया है, इसे खोलना है और अपने हिसाब से इसे उठाना है और डाउन कर सकते हैं और फिर इसे लॉक कर सकते हैं. और आप इधर देख सकते हैं बोतल होल्डर भी हमें इधर मिल चुका है. और सस्पेंशन की बात ना करें तो ये कैसे हो रहा है, सस्पेंशन है इधर आप देख सकते हो एक अच्छी क्वालिटी का शिमानो सस्पेंशन है. और बैक में हमें टायर्स में भी अर्बन टेरेन लिखा हुआ मिल जाता है. तो साइकिल वॉर्थ 49,000, बट अभी इसका लेटेस्ट प्राइस मैंने जब ख़रीदा था साइकिल वॉज वॉर्थ 49,000. आप इसे ख़रीद सकते हो. इस वाली वीडियो में मैं आपको इस साइकिल को चला के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत धूप हो रखी है. आप इधर देख सकते हो, फोकस कर लेगा ये, देख सकते हो कितनी धूप हो रही है. और अब देखते हैं अंदर की तरफ. ओके, इसलिए मैं अभी बाहर नहीं लेके जा सकता साइकिल. अब देखते हैं आगे की तरफ. इधर आपको सब मिल जाता है ट्रिगर शिफ्टर के साथ. ओके, सो साइकिल बहुत ही अच्छी लगी मुझे. बाकी आपकी मर्ज़ी, आप इस साइकिल को ख़रीदते हुए या नहीं,
मैं तो सब कुछ नहीं कह सकता ना। सो वीडियो को यही एंड करते हैं। तरफ हमें एक डिस्क ब्रेक मिल जाता है, इधर आप देख सकते हैं डिस्क ब्रेक हमें इस फ्रंट की तरफ एक मिल चुका है, और डिस्क ब्रेक मैकेनिज्म भी बहुत अच्छा है। और इधर आपको एक राइटिंग मिल जाती है अर्बन टेरेन की, इधर आप देख सकते हो अर्बन टेरेन लिखा हुआ है। और आपको इस तरफ MTB के डिस्क ब्रेक को प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड भी दिया गया है, इधर आप देख सकते हो गार्ड दिया गया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इधर भी आपको अर्बन टेरेन मिल जाता है राइटिंग में। भाई इतने सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं भाई, अर्बन टेरेन के लोगों की बात ना करें तो कैसे होगा। सो इधर हमें फ्रंट पे मिल चुका है अर्बन टेरेन का लोगो, इधर आप देख सकते हो अर्बन टेरेन लिखा गया है, अर्बन टेरेन फोकस, अर्बन टेरेन मिल चुका है आपको। सो बहुत ही अच्छी थी इसकी लोगो भी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अब आगे बढ़ते हैं, इस तरफ भी हमें एक क्या बोलते हैं, हाँ फिर से भूल गया, हाँ इस तरफ भी हमें एक डिस्क ब्रेक मिल जाता है, आप जैसे कि देख सकते हो डिस्क ब्रेक, फोकस कर लेता हूँ हाँ। और इस तरफ आपको अच्छा मैकेनिज्म भी मिल जाता है और एक फेंडर में मिल जाता है जो इसको प्रोटेक्ट करता रहता है। सो अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सीट की बात करूँ तो बहुत ही अनकम्फर्टेबल सीट है भाई, एक इसका डिसएडवांटेज है कि बहुत ही अनकम्फर्टेबल सीट है, एंड आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। बस इधर आपको एक नोक दिया गया है, इसे खोलना है और अपने हिसाब से इसे उठाना है और डाउन कर सकते हैं और फिर इसे लॉक कर सकते हैं। और आप इधर देख सकते हैं बोतल होल्डर भी हमें इधर मिल चुका है। और सस्पेंशन की बात ना करें तो ये कैसे हो रहा है, सस्पेंशन है इधर आप देख सकते हो, एक अच्छी क्वालिटी का शिमानो सस्पेंशन है। और बैक में हमें टायर्स में भी अर्बन टेरेन लिखा हुआ मिल जाता है। तो साइकिल वर्थ 49,000, बट अभी इसका लेटेस्ट प्राइस मैंने जब ख़रीदा था साइकिल वॉज वर्थ 49,000, आप इसे ख़रीद सकते हो। इस वाली वीडियो में मैं आपको इस साइकिल को चला के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत धूप हो रखी है, आप इधर देख सकते हो, फोकस कर लेगा ये, देख सकते हो कितनी धूप हो रही है। और अब देखते हैं अंदर की तरफ, ओके इसलिए मैं अभी बाहर नहीं लेके जा सकता साइकिल। अब देखते हैं आगे की तरफ, इधर आपको सब मिल जाता है ट्रिगर शिफ्टर के साथ, ओके। सो साइकिल बहुत ही अच्छी लगी मुझे, बाकी आपकी मर्ज़ी आप इस साइकिल को खरीदते हुए या नहीं, मैं तो सब कुछ नहीं कह सकता ना। सो वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मैं आपको ये खुद बोल रहा हूँ कि अगर आपको अच्छा लगा है तो ही आप करो, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो और कमेंट में बताओ कि क्यों अच्छा नहीं लगा, आपने क्यों डिसलाइक किया। सो बाय बाय गाइस।